नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। इंटरनेशनल हेयर सेमिनार रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। हमारी टीम ने आयोजकों से बात की। आयोजन की सफलता को लेकर टीम उत्साहित थी। टीम का कहना, निकट भविष्य में हम रीवा में ब्यूटी एक्सपो कराएंगे। हमने टीम से बातचीत की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। मैं मौजूद हूँ रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। वन डे मेकअप हेयर स्टाइल सेमिनार इंटरनेशनल लेवल का पहली बार रीवा में आयोजन, अपने आप में एक रीवा शहर के लिए माइलस्टोन। हमारे साथ आयोजन मंडल की टीम मौजूद है। आज बात इसी टीम से एक बड़े आयोजन की शानदार सफलता के लिए। सबसे पहले तो आयोजन के लिए आपको बधाई। जब आपने आयोजन किया था तो क्या प्लान किया था? सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमने तैयारी की थी तो ये तैयारी हमारी पिछले 3 महीने से चल रही थी। और कई बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग ने सपना और रीवा एक साथ प्लान किया था, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हमारा प्रोग्राम किसी कारणवश डिले होकर आगे पहुंच जाता था। काफ़ी परेशानी आई। हमने पहले से एक छोटा वेन्यू भी बुक किया था, उसको भी लेके फिर हमने अब 29 तारीख की जब डेट फाइनल हुई तो एक भव्य ऑडिटोरियम में जब आयोजन हुआ और हमें पता चला, हमारी ऑर्गेनाइजर जो है अंजुम जावेद जी, उन्होंने बताया कि हम अब कृष्णा राज ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करने जा रहे, तो हमें और खुशी हुई कि मतलब हम इसको और भव्य रूप में इसको एक मुकाम में पहुंचाएंगे। क्या आपको लगता है कि आपने जो सोचा था आपने आज वो कामयाबी पाली? बिल्कुल बिल्कुल, हमने आयोजन टीम के साथ मिलके और हमारी जो टीम थी उनके साथ मिलके हमने आज ये सफलता हासिल की है। और हम उनको भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे आपके चैनल पर। हमने सफलता हासिल कर ली, जो हमने सोचा था वो हमने पूरा कर लिया। सलीम अंसारी, अर्शी खान, राज कपूर ऑडिटोरियम, कैसे बनाया कम्बिनेशन? सर, अर्शी खान एक जाना माना नाम है रीवा शहर के अंदर। उनसे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी सिर्फ मेकअप और सारी चीज़ें के अलावा अर्शी मैम का जो नेचर है और जो उनका एक वे ऑफ प्रेजेंस है, वो लोग उसके फ़ैन हैं। हर कोई किसी अधिकारा के किसी ना किसी तरीके के फैन होते हैं, पर अर्शी मैम के जो फैन है वो उनकी पर्सनालिटी के फैन है। और उनकी पर्सनालिटी को आपने सलीम से कैसे जोड़ा? सलीम अंसारी सर वो मेकअप करती हैं, सलीम सर हेयर आर्टिस्ट हैं, तो मेकअप और हेयर का कॉम्बिनेशन जब हटके निकला तो आपने अभी देखा न्यूज में जो मॉडल्स पे इन्होंने किया है, वो अपने रीवा में पहली बार हुआ है। ऐसा काम पहले कभी नहीं देखा रीवा शहर के अंदर, इनफैक्ट अपने आसपास के क्षेत्र में भी नहीं हुआ ऐसा काम। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन तो कितना बड़ा ब्लास्ट किया है, कितना बड़ा कारनामा हमने कर दिया। आपने खुद नहीं सोचा होगा, अर्शी खान का मेकअप, सलीम अंसारी के हेयर स्टाइल, रीवा शहर ने नहीं सोचा था। इन दोनों को किस तरीके से आपने इकट्ठा किया? हमारे पास हमारी अपनी होम आर्टिस्ट कहना चाहिए हमें, होम आर्टिस्ट हमारी एक इस लेवल की है कि उनके मेकअप की तारीफ हम जितना करें उतनी कम है। हम खुद पर्सनल में खुद बिलीव नहीं करती कि मैंने एक ऐसे सितारे को उभारा है और कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज नवाजी है इस रीवा शहर में हमारे पास, वो भी मेरे अपने घर में, मेरी अपनी एक छोटी सिस्टर के रूप में। तो सलीम अंसारी को कैसे बुलाया? जो मेकअप का प्लेटफॉर्म हमारे पास पर्सनल था उसको एक तरीके से हमें मुकम्मल करना था, और मुकम्मल करने के लिए हमने सलीम सर को बुलाया। और टचवुड, थैंक गॉड, रीवा की सारी ऑडियंस जो मेरे आज सामने है, इन सबका, मेरी ऑर्गेनाइजर टीम, अरशद का, आशी खान का, सलीम सर का और सनी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। एक बड़ा आयोजन हमने किया, जैसा उनके चेहरे के भाव साफ तौर से बता रहे थे कि उनका आयोजन जो उनने सोचा था, जो ड्रीम देखा था, उससे भी बेहतर था। रीवा शहर ने एक बड़ा आयोजन आज देखा, उसके लिए इस पूरी टीम को एक बार फिर से बधाई। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।